कंपटीशन लेवल का मैथमेटिक्स है, इसे सिंपलीफाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं उतार दूंगा ये क्वेश्चन, ठीक है, 2 का पावर 20, फिर यहाँ फिर भी वही, यहाँ पर भी वही, और यहाँ पर भी वही। आप ये क्वेश्चन को सीख जाओगे ना, तो अभी 1, 2, 3, 4 है, तो इसे आगे भी दे देगा, यानी कि 5, 6, 7 ऐसे करके दे देगा, और इसको कम भी कर सकता है, जैसे 1, 2, 3 भी देगा, 1, 2 भी दे सकता है, तो आपको बन जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 है, तो इसे कम भी हो सकता है, इसे ज्यादा भी हो सकता है, मेन इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ रहे हैं। तो अगर मैं इसे ऐसे बनाता हूं, 2 का पावर 20 है, तो 2 को 20 वाली कहूंगा 1, 2, 3 इस टाइप का, तो 10, 48, 576 होगा, ठीक है। तो 10, मतलब ये इसका जो होगा ना 10, 48, 576 होगा, तो 10, 48, 576 मैं यहाँ पे लिखूंगा, फिर प्लस है तो प्लस दूंगा, फिर यही चीज यहाँ पे लिखूंगा, फिर वही चीज यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे फिर सबको जोड़ूंगा, फिर बराबर दूंगा, फिर उसको ऐसे बराबर लिखूंगा, तो आपको नहीं लगता बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में उतना समय रहता नहीं है, ठीक है, और प्लस आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो कम समय में ज्यादा क्वेश्चन बनाने का रहता है एग्जाम में। तो इसको सिंपल वे में क्या करिएगा, जहां आप एक ट्रिक याद कीजिए, जहां पर आपका ऐसे ऐसे क्वेश्चन में, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में दिमाग नहीं ना चलेगा, तो आप वहां पर निकाल देना SCF, ठीक है। SCF यानी कि मौसम, शॉर्टकट में आप CF भी बोल सकते हो, कॉमन फैक्टर आपको निकाल देना है। अभी कॉमन फैक्टर निकलेगा कैसे, बस वो है, ठीक है, कॉमन फैक्टर कैसे निकलेगा, तो कॉमन फैक्टर कैसे निकलेगा, तो ये जो है ना, ये 2 का पावर 20 में यहाँ पे उतार दूंगा, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई टेंशन ही ना है इस टाइप का, फिर इसको भी मैं ये उतारूंगा, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। एक आप नहीं भी दो तो चलेगा, क्योंकि एक देने से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको एक से गुणा करेंगे तो वही का वही हो जाएगा, फिर इसको मैं ऐसे करके उतार दूंगा, एक ही बात हुआ, ठीक है। तो बार बार मैं आपको देखिए, हर तरह का स्टूडेंट वीडियो को देखेंगे ना, तो उसके पर्पज से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो मैं डायरेक्ट ये भी कर सकता हूँ ऐसे करके, लेकिन मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि जिसको नहीं आता है तो वो इस तरीका से अप्लाई करें। आप यहाँ पे लिख दो CF यानी कि सार गुणनखंड, ठीक है, या कॉमन फैक्टर, या SCF यानी कि मौसम। तो मौसम में क्या होता है, मौसम आप टेक्निक से याद करो, मौसम में मो आया तो मो मतलब जो मिलेगा उसे लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसे नहीं लिखेंगे। मौसम का क्या होता है रूल, जो मिलेगा उसे लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसे नहीं लिखते हैं। लॉसो का रूल क्या होता है, ठीक है, जो मिलेगा उसे भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसे भी लिखेंगे। तो मौसम बोलता है निकालने के लिए। इसमें आपको क्या मिला, ये वाला इसमें सब में है, कॉमन बात है, तो 2 का पावर 20 और 1, 1 तो सब में हेवे है, आप चाहे लिखो या तो नहीं लिखो, 1, 2 का पावर 20 हो गया, तो यहाँ पे 2 का पावर 20 हो गया, ठीक है। अच्छा, जिसका बेस मजबूत है, एकदम अच्छा है, तो वो उतना नहीं करने की जरूरत है, वो सिंपल में आप कर दो 2 का पावर 20, देखो इसमें भी वही है, इसमें भी वही, इसमें वही, यानी समय वही है, 2 का पावर 20 हो गया, ठीक है, उतना नहीं करने की जरूरत है। ये मैंने बताया थोड़ा वीक स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे गुना लगा दूंगा। अब जूनियर क्लासेस में इस टाइप का सवाल आप कैसे बना देते हैं, 4 गुने इस टाइप का, तो आप जिसको आता है तो वो तो यहाँ पे 5 दे देगा, 4, 5, 20, लेकिन मान लीजिए जिसको नहीं आता है तो उसका भी मतलब ट्रिक है, ये जो पीस है ना ये आप ऊपर में देना, न्यूमिनेटर यानी कि अंश में, ठीक है, ऊपर, और ये 4 को नीचे में देना, काट काट करके कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये 5 में यहाँ पे दे दिया, बात समझे कि नहीं समझे, फिर 4, 5, 20 एग्जैक्टली यहाँ पर वही अप्लाई करो। देखो 2 का पावर 20 है, 2 का पावर 20 है, तो 2 का पावर 20 यहाँ भी है, ठीक है, अब यहाँ पे गुना दे दो, ठीक है, कुछ नहीं तो गुना है, अभी कोष्ट में देगा। अब यहाँ पे मैं क्या दूंगा, हमें नहीं पता है, अब देखो 2 का पावर 20 है ना आपका, 2 का पावर 20, यहाँ भी 2 का पावर 20 है, यहाँ पे वो डिब्बा है, अब यहाँ पे क्या दोगे किया जाएगा, तो 1 आ जाएगा, इसको 1 से गुणा करके दिया ना, मान लीजिए जिसको नहीं पता है, तो अभी जो ठीक कुछ सेकंड पहले मैंने कुछ बताया है, क्या 20, तो 4 गुने 5, तो 20 को ऊपर दिया, 4 को नीचे के, तो काट पीट का भी नहीं बताया मैंने, तो वही है यहाँ पे, इसको ऊपर करो, इसको ऊपर करो, इसको क्या करो नीचे करो, देखो ये कट गया, कट गया, तो 1 आया ना, 1, 1, 1/1 तो बराबर 1 हुआ, तो इस तरीका से ये यहाँ पे मैं 1 दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, फिर प्लस है तो प्लस दे दूंगा, फिर वही वाला डायलॉग, इसको ऊपर देंगे इसको नीचे देंगे, फिर 1 ही होगा, ठीक है, फिर प्लस, फिर वही चीज, इसको ऊपर देंगे इसको नीचे देंगे, ठीक है, फिर प्लस, फिर इसको ऊपर देंगे इसको नीचे देंगे, यानी कि इसको ऊपर यानी कि न्यूमिनेटर देंगे, यानी कि अंश में, इसको डिनोमिनेटर यानी कि हर में, फिर यहाँ पे देंगे। अब आगे क्या करता है, बच्चे लोग बनाने लगता है, नहीं बनाना नहीं है, पहले इसको मैथमेटिक्स का मतलब होता है, कुछ भी करे फर्क ना पड़े, ठीक है, तो इसको तोड़ के आपको देखिए ये आता है कि नहीं आता, तभी आपका सवाल सही है, यानी इसको मैं तोड़ूंगा, इसको मैं तोड़ूंगा, ये आएगा तो मेरा सवाल सही, नहीं तो गलती। चलिए तोड़ के देखिए, प्लस और प्लस प्लस, इसको मैं 1 से गुना करूंगा तो ये आ गया, चलिए ठीक है, प्लस और प्लस प्लस, इसको 1 से गुना किया तो ये आ गया, प्लस और प्लस प्लस, इसको इससे गुना किया तो ये आ गया, प्लस और प्लस प्लस, इसको इससे गुना किया तो ये आ गया,
आराम से मेरा ऊपर वाला आ रहा है, तो यानी कि मैंने कुछ गलती नहीं किया, वेरिफिकेशन हो गया, ये मेरा सवाल सही जवाब सब ऐसे चेक करने का रहता है। हो सकता है कि इसको इसको गुना करेंगे तो आपको ये नहीं आएगा, तो इसको नीचे वाले लेन को तोड़ के आपको ऊपर आना चाहिए, तो मेरा आ गया, यानी कि हमको सेटिस्फेक्शन मिल गया, संतुष्टि मिल गया, ठीक है कि मेरा सवाल सही है, तो मैं यहाँ पे कोई गलती नहीं किया। अच्छा, फिर मैं 2 का पावर 20 दे दूंगा गुने, अब जोड़ दो 1, 2, 3, 4, तो 4 दे दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो 2 का पावर 20 हो गया, 4 को मैं लिख सकता हूँ ना, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2×2, गुना में पावर जुड़ता है, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 का पावर 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि इसका आधार बेस क्या है 2, इसका भी आधार बेस 2 हो जाए इसलिए, और यहाँ पर मैं एक रूल लगा दूंगा क्या, 1 का पावर n और 1 का पावर n, तो गुना में पावर जुड़ता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 यहाँ भी 2 सेम है, यानी कि आधार बेस इसका 2 है, इसका भी आधार बेस 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला 1 का पावर n + n हो जाएगा, तो 2×2 है तो 1, कितना भी दूरेगा उससे नहीं मतलब है, 2×2 है तो 1×2, गुणा में पावर जुड़ता है, 20 और 2 को जोड़ेंगे तो 20 और + 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 2×20 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, जैसे जावर आंसर, ठीक है हो गया। यहाँ पे मैंने कैसे किया, 2 का पावर 20 उतार दिया, 1, 2, 3, 4, 4 दे दिया, 2 का पावर 20 है, 2 का पावर है, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए ये अलग अलग है ना, तो मैंने 4 को तो 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, 2 का स्क्वायर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला हमको अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी देखिए बेस आधार ए है, यहाँ भी बेस आधार ए है, तो गुना में पावर जुड़ता है 2 को ए है, तो 1 को ए मैं इनको जोड़ दिया m+n, तो मैं 4 को 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 × 4 हो गया, 2×2 है तो 1×2, 20 और 2 को जोड़ूंगा 20+2, यहाँ भी जोड़ा हुआ ना, ए है तो ए है, यहाँ पे 2 है तो 2 है, यहाँ पे mn है तो m+n है, यहाँ पे m के जगह पर 20 है और n के जगह पर 2 है, तो 20 और 2 को जोड़ती है तो 22 हुआ। इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इस टाइप पावर वाला सवाल है ना, इसलिए इसका आंसर मैंने क्या लिख दिया पावर में, इसका आंसर हो गया ये 2 का पावर 22, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कुछ भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट करना, और अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो, ठीक है, थैंक यू।